सो ही गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आपका और एक गेमिंग न्यूज़ के फ्रेश एपिसोड में, जहां पे मैंने आपके लिए ये बहुत ही कमाल की गेमिंग न्यूज़। तो ये है पार्ट 70। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही गेमिंग रिलेटेड कॉन्टेंट देखने के लिए। तो बढ़ लेते हैं सबसे पहले न्यूज़ की तरफ। तो पहले न्यूज़ आ रही है डॉट 5 गेम की तरफ से। तो एज इफ मैंने प्रीवियसली गेमिंग न्यूज़ के वीडियो में बता दिया था कि आपको डॉट 5 ये जो गेम है वो अक्टूबर मंथ में देखने को मिल जाएगा, तो फाइनली कोडमास्टर ने एक रिलीज डेट कंफर्म कर दी है डॉट 5 गेम की, जो कि है 9th अक्टूबर, यानी कि आपको 9th अक्टूबर 2020 को डॉट 5 गेम देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ लेते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ आ रही है स्टीम पर से। तो डेट्रॉयड बिकम ह्यूमन, बियॉन्ड टू सोल्स एंड हेवी रेन्स, ये तीनों भी गेम्स आपको अभी स्टीम पर देखने को मिल जाएंगे। तो प्रीवियसली ये सारे गेम्स आपको गाइस एपिक गेम स्टोर के ऊपर देखने को मिल जाते थे, बट अभी ये जो गेम्स है वो स्टीम पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में गाइस स्टीम पर ये जो गेम्स है वो अभी 10% डिस्काउंट के ऊपर चल रहे हैं, तो अगर आपको इन गेम्स को स्टीम पर से परचेस करना हो तो आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। तो बढ़ लेते अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ आ रही है रिगार्डिंग द न्यू आउटलास्ट गेम। तो आउटलास्ट गेम के डेवलपर्स ने कंफर्म कर दिया है कि आपको एक न्यू आउटलास्ट का गेम देखने को मिल जाएगा, जो कि रहेगा द आउटलास्ट ट्रायल्स। और साथ ही साथ में गाइस द आउटलास्ट ट्रायल्स ये जो गेम रहेगा वो मल्टीप्लेयर गेम रहेगा, यानी कि 4-player co-op हॉरर गेम आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी तक इस गेम की कोई भी रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुई है, बट इस गेम के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट्स वगैरह आते हैं तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। तो बढ़ लेते अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ आ रही है साइबरपंक 2077 गेम की तरफ से। तो फर्स्टली गाइस साइबरपंक 2077 रिलीज होने वाला था ऑन अप्रैल, बट वो डिले हो चुका था अप टिल 17 सितंबर 2020, एंड वंस अगेन गाइस गेम डिले हो चुका है अप टिल नवंबर 19 2020 तक। तो इसके भी एंड रीज़न है कि गेम में अभी भी कुछ बग्स एंड ग्लिचेस है वो फिक्स नहीं हुए हैं, तो वो फिक्स होने के बाद ही गेम रिलीज होगा और गेम की पॉलिशिंग भी बाकी है। तो अभी गाइस आपको साइबरपंक 2077 गेम ऑन नवंबर 19 2020 को देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ लेते अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ आ रही है पबजी पीसी के रिगार्डिंग। तो पबजी पीसी के अंदर एक अपडेट हिट हो चुका है, जो कि है अपडेट 7.3, एंड गाइज उस अपडेट में बहुत सारे न्यू चेंजेस भी ऐड हो चुके हैं, जिसमें मेनली इंक्लूड करते हैं कि व्हीकल एक्सप्लोजन मैकेनिक्स है वो चेंज हो चुके हैं, एंड साथ ही साथ में जब कभी व्हीकल आपके 0 HP पे हो जाएगी तो आपको 5 सेकंड का टाइमर मिलेगा, जिससे कि आप व्हीकल से बाहर निकल सकते हो, एंड 5 सेकंड के बाद व्हीकल जो है वो ब्लास्ट हो जाएगी। एंड सेकंड थिंग जो है वो आपको एक न्यू थ्रोएबल देखने को मिल जाएगा, जो कि रहेगा C4। एंड साथ ही साथ में वीकेंडी मैप के अंदर जो ट्रेन के रूट्स होते हैं उसमें कुछ चेंजेस हो चुके हैं, एंड मेनी मोर अपडेट्स भी आ चुके हैं। तो अगर आपको फुल पैच नोट्स पढ़ने होंगे तो आप गेम की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अपडेट डाउनलोड नहीं किया होगा तो आप इस अपडेट को डेफिनेटली डाउनलोड करना भी मत भूलिएगा। तो बढ़ लेते अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगले न्यूज़ आ रही है इपिक गेम स्टोर की तरफ से। तो एज इफ आपको पता होगा कि आपको इपिक गेम स्टोर के ऊपर हर वीक फ्री में गेम्स देखने को मिल जाते हैं, तो दिस वीक आपको पाथवे ये जो गेम है वो टोटली फ्री आउट देखने को मिल जाता है ऑन इपिक गेम स्टोर अप टिल जून 25 तक। तो अगर आपको पाथवे गेम पसंद होगी तो आप इसको डेफिनेटली फ्री में ग्रैब कर सकते हो। तो बढ़ लेते अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ आ रही है फीफा 21 गेम की तरफ से। तो ईए ने ऑफिशियली रिलीज डेट कंफर्म कर दी है फीफा 21 गेम की। तो गाइस फीफा 21 गेम आपको स्टीम एंड ओरिजिन प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल जाएगा ऑन अक्टूबर 9 2020 को। तो गाइस आपको 9th अक्टूबर 2020 को फीफा 21 गेम देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ लेते अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ भी निकल के आ रही है स्टीम पर से। तो आपको स्टीम के ऊपर इनजस्टिस गॉड अमंग अस अल्टीमेट एडिशन ये जो गेम है वो टोटली फ्री में देखने को मिल जाता है अप टिल जून 25 तक। तो अगर आपने ये गेम ग्रैब नहीं किया होगा फ्री में तो आप इसको डेफिनेटली जाके फ्री में ग्रैब कर सकते हो, या फिर आप इसको लाइब्रेरी में ऐड करके रख दो, जिससे कि आप इसको फ्यूचर में कभी भी खेल सकोगे। तो बढ़ लेते हैं कुछ एंड्रॉइड गेमिंग न्यूज़ की तरफ। तो पहले न्यूज़ आ रही है डेथ कम ट्रू गेम की तरफ से। तो डेथ कम ट्रू ये जो गेम है इसके प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं ऑन गूगल प्ले स्टोर, एंड ये जो गेम है वो आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये गेम के अंदर इंटरेस्ट होगा तो आप इस गेम को डेफिनेटली ट्राई आउट करना मत भूलिएगा। तो बढ़ लेते अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगले न्यूज़ आ रही है पबजी मोबाइल गेम की तरफ से। तो पबजी मोबाइल का जो ग्लोबल बीटा वर्जन है उसमें एक अपडेट हिट हो चुका है, जो कि अपडेट 0.19.2, एंड गाइस उस अपडेट में आपको मिरामार मैप के अंदर एक न्यू मोड इंट्रोड्यूस हो चुका है, जो कि है द एंशियंट सीक्रेट मोड। तो गाइस उस मोड के अंदर आपको कुछ लोकेशंस पे एक स्मॉल स्मॉल पिरामिड समर स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, एंड उस पिरामिड के स्ट्रक्चर के अंदर आपको कुछ पजल्स एंड क्विज देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप वो पजल एंड क्विज को सॉल्व करोगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, एंड साथ ही साथ में गाइस मैप के अंदर आपको बहुत सारे जगहों के ऊपर एक छोटे छोटे रूम्स उसके आपको पजल्स एंड साथ में उस पजल्स को अगर आप सॉल्व करोगे तो रिवॉर्ड देखने को मिल जाएंगे। तो एक बहुत ही कमाल का मोड आ चुका है। तो इस मोड के हिसाब से गाइस नेक्स्ट सीजन की थीम भी आपको इजिप्ट बेस देखने को मिल सकती है। अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, तो अगर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये गेमिंग न्यूज़ की सीरीज पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही गेमिंग न्यूज़ की सीरीज देखने के लिए या फिर गेम के अपडेट्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो गाइस मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में।